बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से ब्रांड के नीचे जिसका नाम है गौरंगा इंस्ट्रक्टर और मैं हूं मनीष रमजिया। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूं एक नया टॉपिक का, और ये नया टॉपिक कौन सा है तो आप देख सकते हैं, जैसा कि डिस्काउंट। जी हाँ, इस डिस्काउंट के बारे में बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे आज। आखिर ये डिस्काउंट होता क्या है, ये कंसेशन होता क्या है? कह सकते हैं कि किसी दुकानदार ने या किसी भी व्यक्ति ने उस वस्तु के कीमत से, जो उसका कीमत, उसका जो एमआरपी है, उसने जो लेवल लगा रखा है, उस लेवल से आपको कुछ कंसेशन करके दे, कुछ कम करके दे, तो उसी को कहते हैं हम लोग छूट या डिस्काउंट कह सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने परसेंटेज का वीडियो देखा होगा तो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था एक पेन का एग्जांपल देके कि अगर ये अपने आप में कितना परसेंट है तो 100%। अगर आपसे कह दिया जाए कि इससे ये हटा दिया गया, हटा क्या दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि हटा दिया गया, इसका छूट था, इसका डिस्काउंट था। 100% में से 20% डिस्काउंट, तो आप उसको कितना पे करेंगे? उस दुकानदार के लिए वो 80% शामिल होने वाला है। जी हाँ, अगर इस दुकानदार के लिए 80% शामिल होने वाला है, लेकिन आपने अगर उस वस्तु को खरीदा तो आपका कितना है, तो वो 100% बनने वाला है। तो इसी तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ इस चीज को शुरुआत करते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसको देखते हैं कि डिस्काउंट में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। हम डिस्काउंट में देखेंगे कि सबसे पहले किसी भी वस्तु पे एक डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। इसमें एक डिस्काउंट एकल बट्टा, दो डिस्काउंट मतलब एक डिस्काउंट के बाद दोबारा फिर से डिस्काउंट में मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पे दोबारा डिस्काउंट मिला और दूसरा डिस्काउंट था 20%, पहला डिस्काउंट था 10% का, तो देखेंगे सिंपल सा कि अगर इस 10% के डिस्काउंट का मतलब तो 90/100 और 20% के डिस्काउंट का मतलब फिर से ये 80/100। अगर हम यहां काउंट करें तो 100 से 100 और 100 से 100 खत्म, 8 9 72, और यहां से इक्वेट जब आप करेंगे तो याद आएगा 72, कह सकते हैं 72। सबसे पहला टाइप, अगर किसी वस्तु का कीमत 5000 रुपए है, जी हाँ 5000 रुपीज, और आपको वो 4000 रुपए में अब मिल जाए, कहने का मतलब उस पे कुछ डिस्काउंट था, कुछ ऑफर था, और वो ऑफर के बाद आपको 4000 रुपया पे करना पड़ा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा है, तो एमआरपी है, उस पे वो टैग लगा है, और ये आपका आपके लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस बन रहा है। मतलब वो दुकानदार आपको इतने में बेचा, लेकिन अगर सीपी से कंपेयर करें तो आपके लिए वो क्या है, तो वो सीपी है, तो दुकानदार का कोई और सीपी होगा। तो सीपी अगर यहां पे बात करें तो ये रहा आपका सीपी, उस दुकानदार का वो खरीदारी कितना था, तो 3000 रुपया। जी हाँ, यहाँ पे तीन केस आएगा, पहला एमआरपी, दूसरा सेलिंग प्राइस और तीसरा कॉस्ट प्राइस, ये दुकानदार के केस के लिए। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पूछे कि बताइए डिस्काउंट कितने का मिला, तो 5000 लिखा था, 4000 में मिल गया, तो 1000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछ रहा है, डिस्काउंट इंटू 100 बाई किस से डिस्काउंट, तो 5000 से डिस्काउंट। अभी यहां पर देखेंगे 3 0 से 3 0 खत्म और 5 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20%। बेसिक सा चीज है कि अगर डिस्काउंट मिला तो कितने का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट। लेकिन अगर सीपी से बात करें कि बताइए इससे इसको प्रॉफिट कितने का, तो हम कह सकते हैं कि उसको प्रॉफिट भी 1000 का है। प्रॉफिट इंटू 100 बाई इस बार प्रॉफिट किससे, तो इस 3000 से, और प्रॉफिट अगर कह दे तो 000 से 000 मतलब 100/3% का यहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी। तो ये रहा आपका सबसे पहला टाइप, और इस पे देखेंगे कि और बेहतरीन क्वेश्चन क्या क्या होता है कि 4000 की वस्तु है। जी हाँ, डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट क्या मिला, तो 10% का, और 10% डिस्काउंट के बाद फिर से उसको डिस्काउंट मिला 20% का। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट मिला के 30% का डिस्काउंट, तो जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो 30% उसको एक साथ नहीं मिल रहा है। इतने का डिस्काउंट मिलने के बाद जो पैसा बना
उस पैसे पे फिर से 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हम यहां से इक्वेट करेंगे कि 10% का ये डिस्काउंट, इस हिसाब से ये 90/100 90% बनेगा, और फिर से ये परसेंटेज अपने आप में 100 है, 100 पे फिर से डिस्काउंट, तो फिर से कहेंगे 80/100 का। यहां से आप जीरो से जीरो खत्म कर सकते हैं और इस जीरो से आप इस जीरो को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो अब आपको गुणा करना है 9 × 8 × 4 या 288। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहां से 4000 की वस्तु एक जीरो के साथ इतने रुपए का वस्तु इतने रुपए में मिल रहा है। तो आपसे वो पूछ सकता है कि दो डिस्काउंट के बाद कीमत कितना, तो आप लिखेंगे आंसर इतना। कभी कभी आपसे और भी कुछ पूछेगा कि दो डिस्काउंट के साथ एक ऐसा डिस्काउंट कंपेयर करें, वो एकल बट्टा कंपेयर करें जो इस दो डिस्काउंट के बराबर है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, ये दे रखा है जैसे 20% पहला डिस्काउंट और 10% का दूसरा डिस्काउंट। आपसे पूछ रहा है कि इस डिस्काउंट के बराबर एक ऐसा बट्टा बताएं जो इसके बराबर हो, मतलब जितने की छूट यहां से मिल रही है एक बार में ही वो छूट आपको मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि कोई डाटा पता नहीं तो 100 रुपए पे 20% डिस्काउंट है तो 80/100 और फिर से 90/100। जी हाँ, 10% डिस्काउंट है, 0 से 0 और 0 से 0 को खत्म करेंगे, 8 और 9 का गुना 72 रुपीज आ जाएगा। आप देखिए सिंपल सा बोल सकते हैं 100 रुपए की वस्तु पे डिस्काउंट डिस्काउंट और वो कितने का हो गया, 72 रुपए का। अगर एक बार ही अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप 28% का अगर डिस्काउंट लेते हैं, क्योंकि 100 से है तो 100 से जो भी डिस्काउंट बन रहा है वो परसेंटेज भी बन रहा है। तो डायरेक्ट एकल डिस्काउंट कितने का, वो रहा 28% का। वाला में एक और क्वेश्चन जिसमें कि अंतर दे रखा है 72 का, और किस चीज का है, तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का एक बार डिस्काउंट तो 30% का डिस्काउंट। तो आप बताइए कि 100 रुपए का वस्तु अगर आपको डिस्काउंट के साथ मिले तो 70/100 हम कह सकते हैं कि यहां से 70 का। ये भी एक्चुअल नहीं है क्योंकि हम इसको माने हैं। फिर से इसी वस्तु को अगर इस तरीके से अगर लिया जाए, मतलब 20% एक बार और 10% एक बार, तो हम कह सकते हैं 100 का समान 20 तो 80/100 और यहां से फिर तो 90/100। इस हिसाब से अगर इक्वेट करें तो ये आ जाएगा 72। पहले एक डिस्काउंट तो 70 रुपए का, डबल डिस्काउंट तो 72 रुपए का, इस हिसाब से अंतर कितने का आया, तो 2 का आया। ये हमारा अंतर और ये क्वेश्चन में अंतर दे रखा है कि अंतर 72 रुपए का हो तो बताइए कि वो कीमत कितने की होगी, उस वस्तु की कीमत क्या होगी। तो 2 = 72 और वस्तु की कीमत हम कितना माने हैं, 100 माने हैं, 100 का वैल्यू निकालेंगे, इतना बटा 2 × 100, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 36, आंसर बनेगा 3600 रुपया। तो ये था अंतर के तरीके से क्वेश्चन। तो 2 में दिया था, इस बार 3 में दिया है कि अगर इस पे 30% 20% और 10% का 3 डिस्काउंट हो तो इसके एकल बट्टा को क्या कह सकते हैं, मतलब एक छूट ऐसा बताइए जो इस तीनों छूट के अकेले बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे फिर से 100 से 30% 70/100 और फिर से ये 20 तो 80/100 और फिर से 10 तो 90/100। जब 0 काटते हैं, 2 0 यहां पे, 3, 4 और 5, 5 0 नीचे भी खत्म, 1 पॉइंट बच गया यहां पे, 9, 7, 8 सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 504। एक यहां से पॉइंट लगा देते हैं 0 के लिए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 100 का समान आपको कितने में मिल रहा है, तो 50.4 में मिल रहा है। अगर हम इस 3 डिस्काउंट के बराबर अगर नीचे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 49.6% का एक ही डिस्काउंट अगर दे दिया जाए जो इस तीनों डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। तो ये था 3 वाले का कॉन्सेप्ट, सिंपल सिंपल सारा कुछ था। लेकिन यहां से आपका एक अच्छा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंट का, जो कि मेन जड़ है, जो जहां लड़के फंस जाते हैं जाके।
अगर डिस्काउंट की बात कर रहा हूं ना, तो आप इस तरीके से पहले ग्राफिक समझ जाइए कि ये सीपी है, इससे कुछ बढ़ गया जो एसपी है, एसपी से कुछ बढ़ा दिया गया तो अंकित मूल्य है। अगर हम बोले कि सीपी से 50% अगर अधिक अंकित कर दिया गया हो, जी हाँ, उस पे जो लिखा हुआ है पैसा वो उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो आप सिंपल कहेंगे कि 100 रुपए के वस्तु पर वहां पे 150 रुपया का टैग लगा दिया गया। जी हाँ, अगर उस वस्तु पे डिस्काउंट मिले, उसने टैग तो लगा दिया, लेकिन टैग लगाने के बाद कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है। चलिए मान लेते हैं कि वो हमको 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने आप में ये भी 100% है, अपने आप में ये भी 100% है, अपने आप में हम बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां से 150 पे 30% का डिस्काउंट, मतलब ग्राहक पे जो करेगा वो 70% पे करेगा। कटिंग करेंगे यहां से, यहां 15 और 7, तो यहां से आ जाएगा 105। कह सकते हैं सिंपल सा कि 100 का सामान बढ़ा के लिख तो दिया, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो बेच कितने में रहा है, तो 105 रुपए में। अगर यहां से कंपेयर किया जाए तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट उसका है 5 का, और ये प्रॉफिट परसेंट 5% बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये 100 पे है। प्रॉफिट इनटू 100 बाय किस से प्रॉफिट, तो 100 से प्रॉफिट अगर आप लिखेंगे तो 5 गुना 100 बटा 100, तो देखिए यहां से आ जाएगा 5% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इधर से कंपेयर करें या उधर से कंपेयर करें। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कहता है अंकित मूल्य से कुछ डिस्काउंट दिया और वो था 10%, लेकिन उसके क्रय मूल्य से उसको प्रॉफिट हुआ जो था 12%। तो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य से अनुपात ज्ञात करें, या आपसे पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत ज्यादा लिख दिया गया, अनुपात पूछ दे, या किसी एक का डाटा एक्चुअल करके आपको दे सकता है। तो आप समझिए पहले, इसको भी हम अपने आप में 100% कह सकते हैं और इसको भी हम अपने आप में 100% कह सकते हैं, क्योंकि जो खरीदा वो क्या किया तो 100% उसका कॉस्ट है, लेकिन जो लिखा है वो भी कस्टमर के लिए 100% है। तो जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहां से 90% बन जाएगा, और जब यहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहां से 112% बन जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रेमुल भी 100 और ये भी 100? नहीं, 100% कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो दो डाटा दिख रहा है आपको, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, आपको बेसिक सा चीज ये समझना है कि किसी एक पॉइंट को एक्चुअल मान लीजिए तो दूसरा पॉइंट जो है अपने आप परसेंटेज बन जाएगा। अगर ये एक्चुअल है तो इसका साइड क्या बनेगा, तो परसेंटेज बनेगा। तो हम देखिए इसको कह देते हैं कि ये 100 रुपया है, ठीक है। अगर हम यहां पे कह दें कि 100 रुपए का सामान, तो ये अगर 100 रुपया है तो ये भी रुपीज में ही बन गया, एक्चुअल डाटा बन गया। इस तरफ का डाटा अगर एक्चुअल है, रुपीज में है, तो इस तरफ का डाटा किस चीज में, तो परसेंटेज में बन गया। अगर ये 100% है तो ये 90% है। अब बस आपको इन दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि दोनों तो एसपी ही है, इसके एंगल से 90 और इसके एंगल से 112। अगर यहां से 100% निकाला जाए तो हम इक्वेट कर सकते हैं, यहां 100% बराबर 112 बटा 90 गुना 100। इसको अगर काटना चाहे तो आप काट सकते हैं 0 से 0, 9 से इसको काटेंगे तो 9 से ये पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। तो सिंपल आप यहां लिख सकते हैं 100 कितना बटा 9, तो यहां से आपका ये क्रय मूल्य और यहां से ये निकल के आ गया अंकित मूल्य। चलिए सीपी और आपके अंकित का रेशियो निकालना है आपको। सीपी को 100 कह सकते हैं और यहां से कह सकते हैं इतना, और बाय 9 इसको आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 900:1120। इसको आप इक्वेट करना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से 45 और यहां से ये 56। दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। तो ये रहा आपका 45:56।
कि एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य से 5% छूट देकर किसी वस्तु को 266 रुपए में बेचता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं 100% ये है और 5% छूट देते ही ये बन गया जी 95%। इसको प्रतिशत इसलिए बोले क्योंकि दूसरे तरफ का डाटा 266 रुपया एक्चुअल दे रखा है। कहने का मतलब कि 95% के बराबर कौन है, तो 266 है। यहां से 100% निकालेंगे और 100% निकल के आ जाएगा 266/95 × 100। इक्वेट आप कर सकते हैं, इसको काटेंगे आप 5 से 19 बार में और इसको काटेंगे तो आप 20 बार में। यहां से ये 19 से भी कट जाएगा, 19 से कटेगा 19 से एक बार में, और यहां से 19 से आप करना चाहें तो आपका ये बच गया कितना, 19, 7 और 6, तो ये आपका 4 बार में, 19 × 6 = 76। आप इसको गुना करेंगे 14 × 28, 280 रुपया निकल के आ गया इसका अंकित मूल्य। इसका बिक्रय मूल्य था 266 रुपया, 100% निकाले ये आ गया अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसने छूट दिया तब जाके उतने में बिका, अगर वो कीमत इतने में ही बेच रहा हो तो उसे प्रॉफिट जो होने वाला है वो 12% का। मतलब बिना किसी डिस्काउंट के अगर वो बेच दे तो उसे प्रॉफिट 12% का, जो 12% के साथ क्या 112% बन सकता है 280 रुपया, क्योंकि 12% ज्यादा तो क्रय मूल्य के साथ साथ प्रॉफिट भी जोड़ दिए तो 112%, 112% 280 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में क्रय मूल्य भी यहां कितना परसेंट होगा, तो 100% ही होगा। और 100% से इसको कंपेयर किए, देखिए ये 100% अपने आप में 100% है, ये 100% अपने आप में 100% है, इससे जब कंपेयर कर रहे थे तो यही 100% 112% बन गया, जो इस 280 के बराबर है। तो 280/112 × 100 कह सकते हैं, यहां से आप कट कर सकते हैं। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप देखेंगे 7 से एक बार में और 7 से 6 बार में, 7 से कट गया तो ये 16 और 7 से तो ये 40 बार में। आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 बार में और 4 से काटेंगे तो 10 और 4 से इसको काटेंगे तो 25, यहां से निकल के आ जाएगा 250 रुपीस। और ये 250 रुपीस क्या है, तो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो यहां से आप बहुत बारीकी से इस चीज को समझेंगे तो बहुत इजी है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन है क्या कि नहीं ऐसे ही पूछेगा, वो कैसे भी घुमा दे, कभी इससे कंपेयर करें कभी इससे कंपेयर करें। तो आप प्लीज इस चीज को एक बार दो बार चार बार इस चीज को देखिए और दिमाग में अगर ये बैठ गया तो क्वेश्चन के किसी भी टाइप को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप देखेंगे, एमआरपी आपको हो सके कभी एक्चुअल दे भी दे और एक्चुअल ना भी दे, नहीं दे तो आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं, दो क्वेश्चन है। एमआरपी से 25% डिस्काउंट मिला और मिलने के बाद जो मेरा बिल बना जितने में हमने खरीद लिया उस पे हमने 40% प्रॉफिट लेके किसी को बेच दिया। जैसे मानते हैं कि हम इस पेन को खरीदने गए और इस पेन को खरीदे गए और इस पेन की अगर बात करें तो पेन का कॉस्ट अगर नहीं कुछ पता तो हम 100 कह सकते हैं, 100 रुपीज का पेन और हमने 25% का डिस्काउंट पे उसको हासिल किया, मतलब 75/100 हम पेन कितने में, तो 75 में। अगर आप यहां से कटिंग ना करें तो एक ही लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि 100 से 100 कदम ये बन गया जी 75 रुपए का। अब इस 75 रुपए पे 40% क्या ले रहा है वो प्रॉफिट, तो 140/100, जैसे कि 100 से 100 खत्म 75 का फिर से 140/100, आप यहां से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा 25 से 3 और 25 से 4, 4 से काटे 2 और ये बना जी कितना, 4 से आप डायरेक्ट अगर काटना चाहते हैं तो भी कट जाएगा, 4 से आपका ये कट जाएगा, ये आपका 4 से 3 बार में और 4 5 मतलब 35 × 3 अगर आप लिखना चाहें तो 105। 100 रुपए का सामान आपका कितने का बिक रहा है, 105 रुपए का। 100 रुपए का क्या था, तो एमआरपी,
उसका ये कॉस्टिंग कितना था, मतलब उसने खरीदा कितने में, 75 में, और ये था उसका 105। तो अंकित से कितना प्रतिशत ज्यादा में बिक सका, तो यहां से लिखेंगे 5% ज्यादा में बिक सका। अगर यही चीज अगर आपसे पूछे कि उस व्यक्ति का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो नहीं रखा है 40% का। अगर यही चीज आपका अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे भी देखिए क्वेश्चन और है जिसमें अंकित से वो क्या कहता है, तो ज्यादा, तो 100 हमने मान लिया फिर से कि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, एमआरपी उसका 100 रुपए था, 100 रुपए से 10% लेस में मतलब 90, और वो 100 से 20% फायदे में मतलब 120 रुपए में। जी हाँ, इस बार वो डिस्काउंट के साथ खरीदा, तो ये क्या बना उसका सीपी, उस व्यक्ति के लिए सीपी बना, बेचने वाले के लिए सीपी बना, लेकिन खरीदने वाले के लिए कितना बना, 90 रुपया सीपी बना, लेकिन वो लिखा हुआ लेवल को नहीं कबाड़ सका और उसी पे उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो हम कह सकते हैं कि 120। अब बताइए कि अब डायरेक्ट उसका फायदा कितना, तो 30 का प्रॉफिट इनटू 100, और किससे प्रॉफिट, तो 90 से ही 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो बटा लिखेंगे 90, इसको कट करेंगे 3, 100/3% का उसका प्रॉफिट। बेसिकली वो ले तो रहा है 20% प्रॉफिट, लेकिन वो देखा जाए तो वो डायरेक्ट कैसे ले रहा है, तो 100/3% का प्रॉफिट ले रहा है। से आपका ये था डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको शेयर करें ना करें, इसको सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन प्लीज इस पे आप राकेश यादव के किताब से जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कुछ बेहतर होने वाला है। तो प्रैक्टिस को आप बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं फंस रहा है, तो आप उनके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, वहां पे भी बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वहां पे भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं गाड़ी फंस रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस चीज का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है, मतलब अपलोड किया जा चुका है, और बहुत सारी चीजें हो भी रही है। तो थैंक यू सो मच, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।